हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल समीनाज किचन ऑफिशियल। तो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही डिलीशियस केक की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, बहुत ही सिंपल एंड इजी तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो रस मलाई केक बनाने के लिए हमें सबसे पहले लगने वाला है स्पॉन्ज। ये वेनीला स्पॉन्ज है, इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर अपलोड हो चुकी है, तो इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, वो रेफ़र करना। तो हमने स्पॉन्ज को डीमोल्ड कर लिया है। इसमें मैंने थोड़ा येलो कलर डाला था, इसके लिए इसका कलर येलो हो चुका है। अब हम इसको तीन लेयर में कट कर लेंगे। मैं आपको हाफ के जी का केक बना के बता रही हूँ। तो अब इसको अच्छे से तीन लेयर में कट कर लेंगे। आफ्टर कटिंग अब हम उसको सोक कर लेंगे। तो ये मैंने शीट पे रख दिया है, स्पॉन्ज का मिडल लेयर हमने रख दिया है। और ये रस मलाई है, ये मैंने मार्केट से लाई हुई है, अगर आप चाहो तो घर पे भी बना सकते हो, बट उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो अब जो उसका मिल्क है, हम उसी से ही हमारे स्पॉन्ज को सोक करेंगे। इससे जो है हमारा रस मलाई केक है, उसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अब हमारे नॉर्मल जो क्रीम है, हम उसको लगा लेंगे हमारे केक के ऊपर। अगर आप लोग चाहो तो इसको भी थोड़ा सा येलो कलर डाल के आइसिंग कर सकते हो। अब ये एक रसमलाई का पीस है, उसको हम छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे और केक पे फिलिंग कर लेंगे रसमलाई से। और ये कुछ नट्स है, आप लोग नट्स पिस्ता डाल सकते हो। ये मैंने जो रोजेस आते हैं, इडेबल रोजेस, वो डाले हैं। अब हम पहले साइड्स फिल कर लेंगे। अच्छे से फिल कर लेना है साइड्स हमें पहले, ऊपर के लेयर को सोक करने से पहले हमें ये चीज़ ज़रूर करनी है। अब हम सेकेंड लेयर को भी वही मिल्क से सोक कर लेंगे। बहुत टेस्टी बनती है इस तरह से, आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करना। अब हमें सेम प्रोसीजर करनी है जैसा हमने फर्स्ट लेयर को किया था, सेम वैसे ही सेकेंड लेयर में भी करेंगे। अगर गाइस आप लोगों को मेरे वीडियोस, मेरे रेसिपीज अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे वीडियो ला सकूं। तो अब हमारा जो लास्ट लेयर है, उसको भी हम अच्छी तरह से सोक कर लेंगे। बहुत सॉफ्ट और बहुत ही मॉइस्चर केक बनता है। तो अब हम इसको क्रम्बल कोट कर लेंगे। आप हमेशा केक को क्रम्बल कोट करके फ्रिज में आधे घंटे के लिए रख दीजिए, क्योंकि जो हमारे क्रम्स होते हैं वो बाद में जब हम लोग आइसिंग करते हैं तो उसके बीच में आ जाते हैं, इसके लिए। अब मैंने जो क्रीम है उसमें येलो कलर डाला था, जेल कलर था वो, येलो जेल कलर। अगर आपको और डार्क चाहिए तो आप लोग और डार्क भी कर सकते हो, मैंने बस लाइट येलो कलर से आइसिंग कर लेनी है। अच्छी तरह से आइसिंग कर लेंगे। मैं प्रॉपर आइसिंग कैसे करनी है उसका भी वीडियो बहुत जल्दी लेके आने वाली हूँ चैनल पे, तो आप लोग ज़रूर एक्टिव रहना। ये नोज़ल है R11, ये रोज़ का नोज़ल है। तो आज हम इससे हमारे केक को डेकोरेट करेंगे, बहुत यूनिक डेकोरेटिंग आपको दिखा रही हूँ मैं, तो इसको ज़रूर देखना। तो हमने पाइपिंग बैग में क्रीम डाल दी है, अब बस हमें जो हमारा नोज़ल है उसका बैक साइड ऊपर लेना है और फ्रंट साइड नीचे लेना है, और बस हमें प्रेस पुल करना है बस। आप लोग देख सकते हो, बहुत ही सिंपल बट दिखने में बहुत ही अट्रैक्टिव है ये। अब एक रसमलाई हम बीच में रख देंगे। अगर आपके पास छोटे छोटे बॉल्स हो, अंगूरी रसमलाई हो, तो आप लोग वो भी बीच में स्टोर कर सकते हो। अब हम उसके
नीचे आउटलाइन निकाल लेंगे। इसमें मैंने कोई भी नोज़ल ऐड नहीं किया हुआ है, जस्ट पाइपिंग बैग से निकाला है। अगर आपको और ड्राई फ्रूट्स डालने हैं तो आप ऊपर से डाल सकते हो, बट मैंने नहीं डाले हैं। तो आप लोग देखिए आपको कैसे लगा है, कमेंट करके बताना मत भूलिए। और मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया गाइस। अल्लाह हाफिज़।